बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों के बीच दहशत का माहौल बना दिया है। इसी बीच बिहार में कोविड के मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं भागलपुर के मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल सरकार के अधिकारियों एवं सीएस के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर वहाँ तैयारी जोरों पर है। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जांच की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। वहीं अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले में सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश सारी मशीन की जांच कराई थी, स्टार्ट भी करा के और हर बेड पर ऑक्सीजन पहुंच रही है ना। और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर, कोरोना की जो आहट है उसको लेकर सदर अस्पताल कितना तैयार? एकदम 100% तैयार है। और अभी हमारे जिले में केस तो नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम तैयार है। सारी व्यवस्था एकदम उन्होंने पूर्ण कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सब सारा है पर्याप्त मात्रा में। आपने देखा भी ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में सर किसी तरह ना ना, अभी तो आज दिन भर चलेगा, 4 बजे तक हम लोग करेंगे और हर 3 घंटे पर नापेंगे उसका। तो प्योरिटी तो 93% से अब अभी दिखला रहा है। तो सर, प्रखंड के अस्पतालों में भी बेड बनाकर तैयार किया गया? हाँ, सब सारी जगह पर। शुरुआती प्रारंभिक क्या बातें सामने आई है? देखिए, मॉकड्रिल के दौरान हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट है, तीनों में हम लोग एक एक करके गए। सबसे पहले LPA 300 में गए और 300 का बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सेचुरेशन होना चाहिए और प्रेशर, ये सारा चीज नॉर्मल रेंज में है जो हम लोग को चाहिए। मोर देन 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन और फ्लो रेट भी अच्छा है, जो प्रेशर से हम यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ उसका कुछ लाइसेंस होता है जो हमने लिख के भेजा है, जो अब तक नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट वार्ड में सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना बेड तैयार है आपके पास ऑक्सीजन के साथ? ऐसा है कि हमारा, आपको पता है कि पिछले ही कोरोना फेज में हमारे यहाँ लगभग 450 मरीज भर्ती थे विद जो ऑक्सीजन बेड पर थे, तो वो 450 तो है ही हैं। उसके अलावा कोरोना के अलावा अन्य मरीज भी हमारे यहाँ उस समय इलाज हो रहे थे, हालांकि ये कोविड हॉस्पिटल था। तो इस तरह से 550 मरीज में 550 बेड्स पर तो ऑक्सीजन है फ्लो अच्छा तरीके से। अभी कोई संदिग्ध मरीज तो दूर दूर तक कहीं कोई संदिग्ध मरीज कोरोना का? अभी फिलहाल कितना बेड तैयार है कोरोना अगर अभी? अब तो चूंकि अब अभी सूचना मिली है तो हम लोगों ने इनिशियल फेज में 30 बेड को कोरोना के लिए आरक्षित किया है और सारी फैसिलिटी को वहीं लगाया है अभी, और रिक्वायरमेंट होगा तो फिर हम लोग 30 बेड और बढ़ाने के तत्काल बढ़ा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अदरवाइज इलाज के दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरह से लैस है, व्यवस्था हाँ हाँ। और क्योंकि अब पिछली बार का अनुभव हो गया है, हालांकि 2020 और 21 का तो अनुभव बहुत ख़राब था, लेकिन 2022 में जो हुआ वो तो हल्का अटैक था ओमिक्रॉन का। अब ईश्वर करे कि ये भी वैसा ही निकले, हालांकि इसमें खबरें बुरी आ रही हैं, तो देखें क्या होता है। शिवम सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।